इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा मैकबुक एयर M1 के लिए या भी कोई भी विंडोज लैपटॉप है उसके लिए आप जो स्लीव जो है वो कौन सा ले सकते हैं ऑनलाइन। ज्यादा वीडियो में लंबा खींचूंगा नहीं, एकदम सिंपल सा है, सीधे सीधे पॉइंट पे आऊंगा। तो अगर आपके पास विंडोज लैपटॉप है या एक मैक ओएस लैपटॉप है तो वीडियो बड़ा ध्यान से देखिएगा। तो बेसिकली मुझे एक स्लीव चाहिए था अपने मैकबुक एयर M1 2020 के लिए और एक केस चाहिए था ताकि मैं अपना लैपटॉप जो है बचा सकूं। एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, अगर आप लैपटॉप में इतना अच्छा खासा इन्वेस्ट करते हो 30-40 हजार रुपए या फिर एक मैक ओएस ले रहे हो जो 80-90 हजार से स्टार्टिंग होती है जिसकी, तो भाई कवर खरीदने में इतनी कंजूसी क्यों। कोशिश ये क्या करो कि ज्यादा महंगा कवर भी नहीं लेना, ज्यादा सस्ता कवर भी नहीं लेना। तो एक अच्छा जो मीडियम प्राइस रेंज जो मुझे निकल गया वो था 1000 रुपीज, स्वीट स्पॉट है भाई। 1000 रुपए के रेंज में काफी अच्छे कवर मिल जाते हैं आपको, उससे नीचे आएंगे ना तो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं मिलती, मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा भी। चलिए जल्दी से आपको कवर दिखा देता हूं। तो भाई सबसे पहले स्लीव पे आते हैं जो कि रेड लेमन की ओर से लैपटॉप पीयू लेदर अल्ट्रा स्लिम स्लीव। आप यहां डेट भी देख सकते हैं, यू लास्ट परचेज दिस आइटम ऑन 7th of May 2022 और यही स्लीव पे इस टाइम ये जो लैपटॉप है वो रखा हुआ है। तो चलिए इसको साइड में हटा देते हैं और ये देखिए रेड लेमन का लैपटॉप पीयू लेदर केस। तो ये देख लीजिए कुछ इस तरीके का कवर है, यहाँ पे मैग्नेट दिया हुआ है पूरा, ये टाइट है एकदम, और जो लेदर है ये लेदर क्वालिटी मुझे ओके लगी। और इस साइड से आप जो है आप इसको फोल्ड करके आप इसको स्टैंड भी बना सकते हैं, तो आप लैपटॉप पे काम भी कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से जैसे मैंने लैपटॉप रखा थोड़ी देर पहले, इसमें भी मैग्नेट लगी हुई तो लैपटॉप गिरने के चांसेस बिल्कुल नहीं, यहाँ पे आराम से पूरा स्टिक हो जाता है। लेकिन इसमें कोई भी आपको पॉकेट नहीं दी गई है तो ये बड़ा ध्यान रखिएगा। सबसे अच्छी बात लगी इस कवर की मुझे, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी अच्छी है, मतलब आप इसको एक हाथ से पकड़ेंगे तो एकदम स्ट्रेट रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, बिल्कुल लचर पुचर नहीं है, एकदम स्ट्रेट रहता है। लेकिन जो रीजन था इसको ना पसंद करने का वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो चलते हैं दूसरे कवर की ओर। दूसरा स्लीव है हैमी की ओर से मैकबुक एयर, इसकी रेटिंग भी काफी अच्छी है, आप देख सकते हैं 699 रुपीज का है ये, और देख सकते हैं मैंने इसको 3 बार परचेज किया था, योर लास्ट परचेज दिस आइटम ऑन 27 अप्रैल। प्रॉब्लम मेरे साथ ये आ रही थी, अनफॉर्चुनेटली मेरे इसके पास वीडियो नहीं है, ये जितनी बार भी मेरे घर पे आया उतनी बार ये एकदम इसकी पैकेजिंग बहुत खराब आई थी, इसकी बिल्ड क्वालिटी नहीं अच्छी है। आप खुद बताइए 700 रुपए में आपको लेदर दे देंगे क्या ये लोग। तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं बट आपको क्वालिटी नहीं अच्छी मिलेगी, और जब आप इसको यूज करेंगे तो उतना ज्यादा प्रीमियम आपको लुक देगा नहीं है, इसलिए मैंने इसको लगभग 3 बार ऑर्डर किया। आप देख सकते हैं परचेज दिस आइटम 3 टाइम्स और तीनों बार ही मैंने रिटर्न कर दिया, क्योंकि मेरे घर पे ये जितनी बार भी डिलीवर हो रहा था उतनी बार इसमें कोई ना कोई इशू था, कोई टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है, लुचर पुचर आ रहा है, पिचका हुआ आ रहा है। सेलर जो है इसके इसकी पैकेजिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप इसको ऑर्डर करके देख सकते हैं, अगर आपके घर पे अच्छे से डिलीवर होता है तो ये ठीक कवर रहेगा एक, बट मैं पर्सनली इसको रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि इससे अच्छे भी कवर है। मूव करते हैं तीसरे कवर की ओर जो कि है मोका 13 इंच का, और ये जो है काफी मुझे अच्छा लगा, चलिए मैं दिखा देता हूँ। तो ये है मोका का कवर, आप देख सकते हैं ये मैंने ऑर्डर किया था, हालांकि ये थोड़ा एकदम स्ट्रेट नहीं है, देखिए पूरा मुड़ जाता है बीच से, उतना अच्छा नहीं इतना रेड लेमन वाला था, एकदम स्ट्रेट। बट पर्सनली मुझे ये इसलिए अच्छा लगा क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, इसका जो लेदर दिया गया है वो ऊपर नीचे साइड में दिया गया है, और ये जो लेदर की क्वालिटी है ये ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म तक चल जाएगी। इसमें आपको 2 जगह मैग्नेट दिखती है, इसको जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 मैग्नेट दी गई है, अच्छे से चिपक जाते हैं, ये देखिए काफी अच्छे से स्टिक कर जाते हैं। और सबसे अच्छी बात जो है इसमें पॉकेट भी दी गई है, आप देख सकते हैं साइड में, यहाँ पे आप आराम से कोई भी कपड़ा वगैरह रख सकते हैं, पोंछने के लिए आराम से इसमें आ जाता है, ये इस टाइप से काफी गहरा है, नीचे तक गया हुआ है एकदम, देखिए पूरा यहाँ से यहाँ तक जो पॉकेट है इसका साइज है। यहाँ पे आपको मोका की ब्रांडिंग भी मिल जाती है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे आपको स्टैंड नहीं मिलता है जो कि रेड लेमन में दिया गया था इस वाले कवर में, आप देख सकते हैं यहाँ पे आप लैपटॉप को इस पे यूज नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसको फोल्ड कर सकते हैं, वो चीज आपको इस वाले स्लीव में नहीं दी गई है। तो ये पर्सनली मुझे क्यों अच्छा लगा ये भी मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। अब इसके बाद आता है लेनोवो का 13 इंच लैपटॉप अल्ट्रा स्लिम स्लीव, ये भी मैंने ऑर्डर किया था, आप देख सकते हैं यू लास्ट परचेज दिस आइटम ऑन 18th of November 2021। इसको परचेज में करने के बाद प्रॉब्लम ये आई थी कि ये 14 इंच में सिर्फ अवेलेबल है, अगर आपका लैपटॉप 14 इंच का है तो आप इसको जरूर लीजिएगा, मेरा 13 इंच का है, 14 इंच काफी बड़ा हो रहा था इस पे, 13 इंच तो मुझे दिखाई नहीं भैया आज तक, 2021 के बाद से नवंबर के बाद से मुझे आज तक 13 इंच अवेलेबिलिटी दिखी ही नहीं अमेजोन पे। तो अगर आपको मिलता है तो आप ये भी कंसिडर कर सकते हो। और सेम केस इसके साथ भी था, लेनोवो का 14 इंच, ये भी 13 इंच के लिए नहीं था और इसका साइज भी काफी बड़ा था, आप इस वीडियो में भी देख सकते हो, और आप देख सकते हो इसको मैं भी मैंने 2 बार परचेस किया, बट सेम इशू था लेनोवो वाले में कि ये साइज इसका काफी बड़ा था और इसका छोटा साइज आ नहीं रहा है मैकबुक एयर के लिए। तो अगर आपका लैपटॉप 14 इंच का है तो आप ये 2 कवर जो है वो कंसीडर कर सकते हो। एनफॉक्स कंपनी का एक ये भी मैंने ऑर्डर किया था मैकबुक एयर, आप देख सकते हो यहाँ पे डेट ऑफ परचेज ये है एनफॉक्स, लेकिन मैंने इसको रिटर्न कर दिया था, आप देख सकते हो ऑर्डर प्लेस्ड ऑन 1st November 2021। इसका भी कुछ खास नहीं था, बहुत ही बेकार कवर था ये। सबसे मैटर करता है बिल्ड क्वालिटी, देखने में जितना अच्छा लग रहा है उतना अच्छा आपको हाथ में जब आएगा तब नहीं लगेगा, और लैपटॉप इतना महंगा ले रहे हो तो इतना सस्ता कवर तो ना ही लेना यार। तो भाई अब फाइनली बात कर लेते हैं इन 2 कवर की, तो इन दोनों कवर में अगर आपको लेना है, ये है रेड लेमन का, ये है मोका का, इन दोनों में कौन सा कवर आपको लेना चाहिए? तो देखो भाई अगर आप रेड लेमन का ले रहे हो तो पहली बात तो इसमें कहीं भी आपको ब्रांडिंग नहीं दिखेगी रेड लेमन की, बट बहुत ही अच्छा सुपर प्रीमियम लुक देता है ये कवर। इसमें जब आप अपना लैपटॉप रखोगे मैकबुक एयर या कोई भी 13 इंच का लैपटॉप,
तो एकदम उसको ये टाइटली पैक करता है, मतलब बिल्कुल भी अलग से ये ढीला ढाला से नहीं रहेगा, एकदम फिट बैठेगा लैपटॉप इसमें आपका। प्रॉब्लम बस इसमें ये है कि ये जो लेदर क्वालिटी है इसको देख के ऐसा लगता है कि जब थोड़ा समय निकल जाएगा यूज करते करते, तो आपने देखा होगा छोटे पे भी कोई भी लेदर की चीज लेते थे ना आगे चल के वो चटकने लगती थी, तो यही सेम चीज लग रही है इसके साथ भी। वैसे देखने में अच्छी है लेकिन ऐसा लग रहा है, फील आ रहा है यूज करने पे कि ये आगे चल के चटकने लग सकती है लेदर इसकी। एक डाउन साइड जो इसका मुझे नहीं अच्छा लगा वो है इसमें कोई भी पॉकेट नहीं दी गई है। अगर आपको लैपटॉप वगैरह पोछना वगैरह है तो वो कोई भी कपड़ा वगैरह कोई भी चार्जर वगैरह आप इसमें नहीं रख सकते हो, तो इसलिए ये जो मैं रिटर्न कर दूंगा क्योंकि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए और एक ब्रांडिंग भी होनी चाहिए और छोटा मोटा पॉकेट भी होना चाहिए जो कि मुझे इसमें नहीं मिला। हालांकि आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको बाय कर सकते हो। ये मैं रखने वाला हूँ क्योंकि इसमें आपको पॉकेट मिल जाती है और एक प्रीमियम फील आता है, भला ही लुचर पुचर सा है लेकिन एक अच्छा क्वालिटी लगता है जब आप इसको हाथ में पकड़ोगे ना जब, तो बहुत अच्छा फील देता है। साथ ही इसको जब ओपन करते हो तो यहाँ पे जो लैपटॉप के रखने की जगह दी गई है ये काफ़ी अच्छी दी गई है। अंदर का पूरा यहाँ पे देखिए कपड़ा टाइप का है, यहाँ पे लेदर टाइप की है और अंदर भी एकदम सॉफ्ट सा मटेरियल दिया गया है। लैपटॉप इसमें एकदम टाइटली पैक नहीं होता है, थोड़ी सी थोड़ी जगह बच जाती है, तो वो मुझे सही लगता है। और यहाँ पे ये अच्छा वाला मैग्नेट है, आप इसको जब स्टिक करेंगे। पर्सनली मैंने ये रखा है, रेड लेमन वाला नहीं रखा है, तो ये जो कवर है मैं रिकमेंड करूंगा आप सभी को अपने मैकबुक एयर या कोई भी 13 इंच लैपटॉप के लिए ये कवर आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं अगर आपको अपने लैपटॉप के लिए केस लेना है तो वो है रेड लेमन का ही, इसकी रेटिंग भी अच्छी है। ये भी काफी रिसर्च के बाद मुझे पता चला कि ये इतना अच्छा केस है, फिर मैंने इसको ऑर्डर किया और आप इस लैपटॉप पे देख सकते हैं ये लगा हुआ है सेम कंपनी का। थोड़ा सा गंदा हो गया है, इसको इग्नोर कीजिएगा, तो कुछ इस टाइप का है ये कवर। बहुत डर रहता है यार इतना महंगा लैपटॉप ले लो और साइड में कुछ हल्का सा भी स्क्रैच विस्क्रैच आ जाए, तो उन सबसे बचने के लिए ये काफी अच्छा है। हालांकि मैंने 2-3 महीने इसको यूज किया तो आप देख सकते हैं हल्का सा ये चटकने भी लगा है साइड साइड से, लेकिन प्रॉब्लम ये थी मैं इसको काफी बार उतारा चढ़ाया हूँ तो इसकी वजह से ये चटक गया। बट ये केस जो है मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लगा। एक बात ध्यान रखिएगा आपने मैकबुक एयर के लिए, क्योंकि इसमें कोई फैन नहीं दिया गया है तो इसमें यहाँ पे कोई जगह भी नहीं दी गई वेंटिलेशन के लिए, और यहाँ पे आपको अच्छी सी ग्रिप मिल जाती है चारों कॉर्नर में रबर की, तो आपका लैपटॉप वगैरह फिसलेगा वगैरह नहीं। तो ये जो है पर्सनली मुझे काफी अच्छा लगा, इससे आराम पूरा बंद भी जाता है, उसको आप जरूर यूज लीजिए क्योंकि लैपटॉप जो है यार वो बचा रहा है आपका। एटलीस्ट आराम से देखिए साइड साइड में ये जो क्लिप है हल्की सी छोटी छोटी सी ये पैक हो जाती है और डरने की बात बिल्कुल नहीं है, कोई भी स्क्रैच नहीं आता इसको लगाने के बाद। तो होपफुली आपको वीडियो जो वो अच्छा लगा होगा, मैंने ज्यादा लंबा खींचा नहीं है इसको, टू द पॉइंट मैंने बात की इस वीडियो में। प्रॉब्लम बस ये थी यार कि इतने वीडियो सर्च करने के बाद यूट्यूब पे और जगह जगह पढ़ने के बाद कोई भी एक ऐसा कवर नहीं मिल रहा था, स्लीव नहीं मिल रहा था मुझे जो मैं अपने लैपटॉप पर लगा सकूं। तो मैंने यही डिसाइड किया भाई मैं खुद ही ऑर्डर कर लूंगा और टेस्ट करके देखूंगा कि कौन सा बेटर है। तो ये जो कवर था मैंने बताया जो मौका वाला, ये आप परचेस कर सकते हो, वरना आप रेड लेमन वाला भी परचेस कर सकते हो, आपके रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। तो भाई इस वीडियो को लाइक कर देना यार, मैंने सारे लैपटॉप जो कवर है वो ऑर्डर किए थे, आपने देखा होगा नवंबर से ऑर्डर किए थे, अब जाके मुझे फाइनली समझ में आया कि ये कवर जो है वो अच्छा है। तो वीडियो को लाइक जरूर करना। स्टे सेफ।